हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम मसूर दाल की क्रीम बनाएंगे। ये क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। ये क्रीम हमारी स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन करती है। ये हमारे एक्ने, पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज़ से आपकी सन टैन और ओपन पोर्स की समस्या भी एकदम दूर हो जाएगी और इस क्रीम को बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए मसूर दाल की क्रीम बनाना शुरू करते हैं। मसूर दाल की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच मसूर की दाल डालेंगे। तो यह मैंने मसूर दाल को एक बाउल में अलग निकाल लिया है। तो अब हम इसे एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी है वो अलग हो जाए। तो यहाँ आप देखिए, मैंने दाल को पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम दाल को सोक करने के लिए इसमें गुलाब जल डालेंगे। तो यहाँ हम इसमें इतना गुलाब जल डालेंगे जितने में कि दाल अच्छे से डूब जाए। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से फूल जाए। तो ये लगभग 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ आप देखिए कि हमारी दाल अच्छे से फूल गई है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें भीगी हुई दाल डालेंगे। तो ये दाल को पीसने के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाना है, बस जितना हमने इसे सोक करने में डाला था उतना ही पानी डालना है। तो अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और दाल को एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने दाल को एकदम बारीक पीस कर इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इस पेस्ट को एक बारीक छलनी में छान लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी कॉटन या फिर मुस्लिन के कपड़े में भी छान सकते हैं, क्योंकि आप इस पेस्ट को जितना बारीक छानेंगे आपकी क्रीम उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दाल के पेस्ट को एकदम बारीक छान लिया है। मसूर की दाल हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, ये हमारी स्किन को ब्राइटन करती है, ये हमारे सन टैन को रिमूव करती है, साथ ही हमारी स्किन पर से सारा एक्सेस ऑयल हटाकर हमें एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम होने से भी बचाती है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन हमारे स्किन पर मॉइस्चराइजर का काम करती है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सपल हो जाती है। और अब हम इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल एक बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है जो कि हमें सनबर्न होने से बचाता है, साथ ही हमारी ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है। और अब हम इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। विटामिन ऑयल हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो इसलिए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप भी इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ज़रूर ऐड करें। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगी ताकि हमारी क्रीम एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बने। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो ये हमारी एकदम स्मूथ और लम्प फ्री मसूर की दाल की क्रीम बनकर रेडी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे स्टोर करना है। तो यह क्रीम को स्टोर करने के लिए हम इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का एक एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें क्रीम को स्टोर करेंगे। पर मेक श्योर कि हम जो भी कंटेनर लेंगे वो बिल्कुल सूखा और साफ होना चाहिए। तो अब हम इस कंटेनर में क्रीम निकाल लेंगे। आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। तो यह मैंने इसे कंटेनर में अलग निकाल लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ी सी अमाउंट में इस तरह लेंगे और इसे अपने फेस और नेक पर इस तरह अप्लाई करेंगे और इसे जेंटली 10 से 15 सेकेंड तक अच्छे से मसाज करेंगे। और मसाज करने के बाद आप इसे रात भर ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम को दिन में 2 बार सुबह और शाम इसी तरह अप्लाई करेंगे तो ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटन और ब्राइटन बना देगी। साथ ही आपकी स्किन पर से सारा एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर आपकी एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी डार्क स्पॉट्स और सन टैन की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाएगी। तो क्योंकि ये क्रीम सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है तो इसलिए ये 100% नेचुरल और 100% इफेक्टिव है, जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग करती है, प्लस आपकी स्किन टोन को भी इवन करती है। तो आप भी इस क्रीम को एक बार तो ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।